बुधवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान ज्यादा रहा, साथ ही शाम के समय राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बुधवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान छतरपुर में दर्ज किया गया है, वहीं बैतूल का तापमान सबसे कम रहा। इसके साथ ही प्रदेश के 14 स्टेशनों पर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच गुरुवार के लिए प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, देवास, खरगोन, खंडवा, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, शिवपुरी, पांडुर्ना, भोपाल और नीमच शामिल है। मध्य प्रदेश के लगभग जिलों में 19 जुलाई से जोरदार बारिश और थंडर स्टॉर्म रिकॉर्ड किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत हो गई है। मौसम की जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि आगर, राजगढ़, छिंदवाड़ा, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, गांधी सागर बांध, गुना, रतलाम, धोलावाड़, झाबुआ के साथ साथ बैतूल, पांडुर्ना, पेंच, शाजापुर और नरसिंहपुर में बिजली के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अशोकनगर, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, धार, मांडू, देवास, इंदौर, अनूपपुर, अमरकंटक, अलीराजपुर, भोपाल, बैरागढ़, सागर, दक्षिण दमोह, शिवपुर, पश्चिम शिवपुरी, रायसेन और विदिशा में बिजली के साथ मध्य गरज और बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही सीहोर, नर्मदापुरम, पंचमढ़ी, हरदा, खंडवा, ओंकारेश्वर, खरगोन, महेश्वर, बड़वानी, बावनगजा, बुरहानपुर, जबलपुर, मंडला, उमरिया और शहडोल में रात के समय बिजली के साथ हल्की आंधी आने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में बुधवार को अधिकतम जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में बारिश एक्टिव है, आने वाले दिनों में बरसात की स्पीड और ज्यादा तेज हो सकती है। लोकल 18 के लिए भोपाल से ऋतिका तिवारी की रिपोर्ट।